अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं दम का गोश्त। बहुत ही बनाने में इजी है, टेस्टी भी है। मटन हमारा एकदम अच्छे से गल गया है। इसके लिए हमने जो ट्रिक यूज़ की है वो आपको रेसिपी देखने के बाद पता चलेगी। इसके लिए पूरी रेसिपी देखें। पाँच सौ ग्राम मटन लिया है हमने, दही लिया है, प्याज है, तेल है, घी है, हल्दी पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, बादाम है, धनिया पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट है, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर है, गरम मसाला और नमक लिया है। दो बड़ी साइज़ की प्याज ली थी, इसे हमने गोल्डन फ्राई किया है और इसके अंदर हम 10 से 12 बादाम डाल देंगे और इसका पेस्ट हम रेडी कर लेंगे। अब हम मटन को मैरिनेट करेंगे। ये जो पिसा हुआ प्याज और बादाम है ये डाल देंगे। 100 ml दही डाल देंगे हम, 100 ml। अब तेल डाल देंगे, तेल हमने 4 टेबल स्पून लिया है। अब घी डाल देंगे, घी 1 टेबल स्पून लिया है। कश्मीरी रेड चिली पाउडर 2 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून हमने नमक डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे 1 घंटा साइड में रख देंगे। 1 घंटा हो गया है, अब इसे एक डेगची में डालेंगे। यह हम दम का गोश्त बना रहे हैं, इसके लिए हम कुकर में नहीं बनाएंगे। इसे अच्छे से भून लेंगे हम। 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से भूनते रहेंगे और इसका थोड़ा पानी हम ड्राई कर लेंगे। मटन को गलाने के लिए मटन के ऊपर 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा लगा कर रख देंगे आधे घंटे के लिए और फिर उसे अच्छे से धो देंगे, फिर यूज़ करेंगे हम। उससे मटन हमारा बहुत ही सॉफ्ट बन जाता है। चाइनीज़ लोग मटन को गलाने के लिए यही ट्रिक यूज़ करते हैं। मटन हमारा अच्छे से भुन गया है, अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। 1 लीटर के करीब हमने पानी डाल दिया है। अब इसे ढककर रख देंगे स्लो गैस पे। बीच बीच में हम मटन को चेक करते रहेंगे ताकि मटन हमारा जल ना जाए। मटन हमारा बनकर रेडी है। अब इसके ऊपर हम धनिया और हरी मिर्ची डालकर सर्व कर देंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।